आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि राजनीति में छोटे दिल वाले बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़ा काम करने के लिए राज्य को विकसित करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। सत्ता आती है और सत्ता जाती है, इसलिए राजनीति में राजनीतिक विद्वेष की भावना से अगर काम हो तो राज्य की राजनीतिक वातावरण प्रदूषित होती है। मैं एक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी पर जिस प्रकार से राजनीतिक विद्वेष की भावना से उन पर मुकदमे दर्ज किए गए और उस मुकदमे के माध्यम से एक राजनीतिक विद्वेषता का, राजनीतिक षड्यंत्र का एक निकृष्ट उदाहरण देखने को झारखंड में मिला है। आप सबको जानते हैं कि ये केस मुकदमे राज्यसभा के चुनाव के संबंधित में संदर्भ में है। निर्मला देवी जो विधायक थी उन्होंने आरोप लगाया था और ये घटना लगभग 4 वर्षों का है, जब बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी, राज्य की सरकार, उन्होंने कानून में अवरोध डालने का काम नहीं किया। अगर कानून में, और हम कह सकते हैं कि उस जांच में राज्य सरकार चाहती तो के रास्ते में राजनीतिक हस्तक्षेप कर उस केस को ठंडे बस्ते में डाला जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन चीजों पर विश्वास नहीं करती, इसलिए पिछली रघुवर दास की सरकार ने इन चीजों पर विश्वास नहीं किया। अब जो 1.5 वर्षों का शासन यूपीए गठबंधन की सरकार की, रघु हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है, तो उस जांच में कुछ नहीं मिला, तो नए धाराएं डाल करके और नए षड्यंत्र करके उस केस को राजनीतिक शत्रुता, एनिमिटीज का, एनिमी का एक उदाहरण उन्होंने दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब सब कोई जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को न्यायालय पर पूरा विश्वास है, कानून पर पूरा भरोसा है, और हम न्यायपालिका और कानून के रास्ते में अवरोध करने वाले लोग भी नहीं हैं। न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये मैं मानता हूं। लेकिन जिस प्रकार से राज्य की सरकार का चरित्र है उसको मैं उजागर करना चाहता हूं। आप सब कोई जानते हैं ये कानून के संदर्भ में जो पीसी एक्ट अलग से लगाया गया अभी हाल में, जिसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहते हैं, उसमें सीधी सी बात है कि जो क्राइम कमिटेड होता है, जो क्राइम हो चुका है, उस पर ही पीसी एक्ट की धाराएं लगती हैं। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।